मतों पर जो है जबरदस्त विभाजन देखने को मिल रहा है, और ये खतरे का संकेत हमारे लिए नहीं है, दूसरे लोगों को इसकी चिंता छलावा है। तो फिर बिजली बिल माफ कैसे हुआ कि जाने के बाद भी अपने संपर्कों का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ममता देवी जी ने कई पथ और कई महत्वपूर्ण गली और गली और ये सब बना देने से ही विकास का पैसा। सुनीता चौधरी को स्वतंत्रता अपनी बात रखने का और बोलने का, उनकी बात के ऊपर में हम कुछ नहीं विशेष बोलना चाहेंगे, लेकिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि कोई भी उल्लेखनीय कार्य उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। नली और गली और ये सब बना देने से ही विकास का पैमाना नहीं है, विकास के लिए दृष्टिकोण और विकास के लिए सोच होना चाहिए। हमने देखा कि विधायकी जाने के बाद भी अपने संपर्कों का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ममता देवी जी ने कई पथ और कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए। अगर गिनाने की बात होगी तो हम गिनवा भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अस्पष्ट है जिस प्रकार से आज जनसमर्थन का तूफान नजर आया है आज के कार्यक्रम में, और विशेष करके जो आधी आबादी है महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन मैया सम्मान योजना को लेकर के और गरीबों का अबुआ आवास को लेकर के और निम्न और मध्यम वर्गीय का बिजली बिल माफ वाले मामले लेकर के 200 यूनिट बिजली बिल जो वो माफ करने की बात हुई, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो आम मतदाता हैं उनके सामने बड़ा ही सकारात्मक संदेश गया है। और इस वजह से इन सारी चीज़ें इस बात को दिखा रही है कि निश्चित तौर पर गोलबंदी है हेमंत सोरेन के सरकार के पक्ष में, और वो वोट के दिन में नजर आएगा। सरकार यूपीए की बनेगी, गठबंधन की बनेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ममता देवी की जीत होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि जितनी भी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा जो लाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं चुनावी जो है एक छलावा है। देखिए छलावा क्या है, अगर छलावा है तो अकाउंट में पैसा कैसे चला गया, अकाउंट में पैसा कैसे चला गया, ये भाषण तो नहीं है। अपने आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये कह दिया कि सरकार आने के बाद में 2500 रुपया दिसंबर से हम डालेंगे। अगर ये छलावा है तो फिर बिजली बिल माफ कैसे हुआ, एक एक मोहल्ले में जो है 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया कुल मिलाकर के देखा जाए उपभोक्ताओं का तो माफ हुआ है, ये छलावा कैसे है। अगर 2 लाख रुपया जो किसानों का जो कर्जा था, लोन जो लिया था, 2 लाख रुपया का लोन माफ हुआ है, इसको मैं चैलेंज करता हूँ कोई विपक्षी प्रवक्ता और विपक्षी नेता को, अगर इस बात को झुठला दे। ये सारे जमीन की सच्चाई है, सभी वर्ग के लोगों को, बच्चे हों, महिला 18 से लेकर के 50 साल की उम्र हो, सारे लोगों को सुविधाएं मिली हैं, अलग अलग तरह की सुविधाएं मिली हैं। इस वजह से ये संवेदनशील सरकार है, और सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ा देखा जाता है कि संकट के समय में सरकार की किस तरह की कार्यशैली है। कोरोना काल में जिस प्रकार से मानवीय चेहरा उभर करके आया हेमंत सोरेन जी का और उसकी सरकार का, कि जिस प्रकार से उन्होंने बस से, ट्रेन से और यहाँ तक कि हवाई जहाज से लोगों को कोरोना काल में राज्य के दूसरे हिस्सों से लाने का काम किया झारखंड में उनके गाँव में, ये अपने आप में उनकी संवेदनशीलता को बताता है, और झारखंड की जनता इसको कभी भूलेगी नहीं। झारखंड में विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहा है विपक्ष, बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया के बारे में दूसरे लोगों ने कहा, मैं भी उस बात को दोहराता हूँ कि अगर कहीं इन्फिल्ट्रेशन है, कहीं अगर घुसपैठ है, तो हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है, होम मिनिस्ट्री किसके पास में है, बॉर्डर की रक्षा करने का काम किसका है। तो अगर कहीं घुसपैठ अगर हुआ भी है, इसमें कितनी सच्चाई हो तो जाँच का विषय, लेकिन अगर कहीं हुआ भी है तो इसके लिए तो भारत सरकार जिम्मेदार है, इसमें राज्य सरकार क्यों जिम्मेदार है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि झारखंड में, झारखंड की सीमा के साथ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जब नहीं मिलती है तो झारखंड में ये मुद्दा कहाँ से है। इस वजह से ये पूरी तरह से गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा यहाँ पर है कि झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो खतियानी लोग हैं, झारखंड के जो गरीब आदिवासी अकलियत दलित पिछड़े लोग हैं, उनका किस तरह से उनका विकास होगा। प्रयत्नशील है हेमंत सोरेन की सरकार, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम किया, और जो बचा हुआ कार्य है वो आने वाले दिनों में पूरा होगा। इस बार आपके पास त्रिकोणीय चुनाव का आसार दिख रहा है, इसमें से ज्यादा कुर्मी वोट माहौल बदल रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, हम कोई जात और धर्म की बात नहीं करते, हाँ लेकिन कुछ संकेत जरूर है कि कई मतों पर जो है जबरदस्त विभाजन देखने को मिल रहा है,
और ये खतरे का संकेत हमारे लिए नहीं है, दूसरे लोगों को इसकी चिंता ज्यादा करनी।